2020 में आरएसएस बीजेपी के सौजन्य से यहाँ पूरी आग लग गई थी। 53 निर्दोष लोगों की जाने गई और उसमें अधिकतर मुस्लिम थे, लेकिन गरीब हिंदू भी इसमें मारे गए। ये वही जगह है जिस जगह पर 2 साल पहले एक विनाश का दौर चला था, एक सपने को तोड़ने का पूरी योजना जो बनाई गई थी उसको एग्जीक्यूट करने की ये जगह है जहाँ आज हम बैठे हैं। यहाँ की जो हम लोगों ने उस समय जो देखा, इतनी भयानक स्थिति थी एक ऐसे इलाके में जब कभी भी कहीं भी सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई, ये करवाया गया था बीजेपी आरएसएस के द्वारा। तो उसकी घाव भरने के लिए क्या क्या कदम उठाना चाहिए, उसमें ये एक उसका प्रयास है। उसी टूटे हुए सपने को फिर से साकार करने का एक केंद्र ये कौशल विकास केंद्र है, जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी लीडर कॉमरेड मेजर जयपाल सिंह ट्रस्ट के तहत ये खोला गया है। कौमी एकता भवन न जिसमें जिसका मोटो उसके नाम से ही है, कौमी एकता। कौमी एकता भवन को जो यहाँ स्किल सेंटर हमने खोला है, यहाँ पे जब इसको बनाते समय पड़ोसियों का भी बहुत मदद मिली है, बिजली लेना, पानी लेना, तमाम जो यहाँ आसपास के साथी हैं मदद मिली है। और हमें आने वाले समय में यहाँ पे जो बच्चों की कोचिंग सेंटर चलाएंगे, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करेंगे, महिलाओं की सिलाई कढ़ाई केंद्र हम यहाँ पे खोलने चाह रहे हैं और कंप्यूटर कोर्स भी कर रहे हैं। और तमाम जो आम जनता के लिए यहाँ पे जो गरीब परिवार रहता है ज़्यादा से ज़्यादा, इनके बीच में हम अपने जनवादी महिला समिति की तरफ से कल से हम पूरे घर घर में जाके कौमी एकता सेंटर का हम प्रचार करेंगे और एडमिशन के लिए महिला बच्चे लड़के सबसे हम ये अपील करेंगे कि आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप अच्छे शिक्षा आप पा सकते हो। मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी दंगों में, उस दौरान काफ़ी मदद करी है। और यहाँ पे जो सेंटर बना है ये हमारे बच्चों के लिए, जितने भी गरीब लोग हैं, हमारे बच्चे इन दंगे वालों के दंग पीड़ित से हैं, सबके लिए काफ़ी अच्छा काम किया है। ये नौजवानों के लिए एक बड़ा केंद्र बनने जा रहा है, क्योंकि इस आसपास के क्षेत्र में जो पढ़ाई के लिए और जो कौशल है, कंप्यूटर शिक्षा, स्पीकिंग कोर्स, ब्यूटिशियन के लिए, जितने नौजवान के लिए ट्रेनिंग सेंटर हैं वो गुणवत्तापूर्ण नहीं है और बहुत महंगे हैं। और जिस तरह से यहाँ सांप्रदायिक हिंसा हुई थी उसमें एक इंसानियत का एक पार्ट के क्या ये सेंटर उभर कर आया है। और जब हम सेंटर के लेकर लोगों के बीच में गए तो नौजवानों में और ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के अंदर एक बड़ा उत्साह था कि इस तरह का सेंटर खुलना चाहिए और ये सेंटर हमारे आने वाले दिनों में इस एरिया में नफरत की राजनीति को भी चोट देगा और एक इंसान बनाते हुए उनके जीवन के लिए जो काम चाहिए उनके काम को रोज़गार, एक बेहतर रोज़गार के लिए उनको ट्रेंड करेगा। कौमी एकता भवन के अंदर में एक कौशल विकास केंद्र का चलना है, जहाँ पे ब्यूटिशियन का कोर्स है, सिलाई सिखाने की बात हो रही है, स्पोकन क्लासेस हैं। ये एरिया जो है ब्रिजपुर या मुस्तफाबाद के एरिया में ये दंगा पीड़ित क्षेत्र के अंदर आता है। और यहाँ पे एक हमारा मकसद है कि जो स्लम एरिया में रह रहे लोग हैं उन्हें एक गुणवत्तापूर्ण जो है कि शिक्षा नहीं मिल पाता है, उस वो यहाँ पे पढ़ाई हासिल करके एक कम्पिटिटिव माइंड वो पैदा करें और इस भीड़ से अलग दिखने की भी कोशिश करें। इस दौर में जहाँ डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं उनको ही क्रश किया जा रहा है, संवैधानिक मूल्यों को ध्वस्त किया जा रहा है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि कौमी एकता बिना उन मूल्यों के चल नहीं सकता। यही कारण है कि हमने आगे के लिए ये भी योजना बनाई है कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ के युवाओं को उन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए कुछ एक्टिविटी हम कराएंगे। इसके साथ ही
जो जनता है उनकी मदद के लिए, चाहे वकील हों, कानूनी मदद के लिए वकीलों की, या महिला संबंधी जो हिंसा या किसी तरह के मदद की ज़रूरत होगी तो महिलाओं के संगठन के द्वारा उनकी मदद, ये सारी चीज़ें हम इस केंद्र में रहते हुए कर सकते हैं। देखिए, कोई भी केंद्र बगैर जनता की सहायता और जनता की सहयोग और जनता के समर्थन से नहीं चल सकता है। तो इसमें ये केंद्र में कोई पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल पार्टी का कोई उस रूप में नहीं है। ये मेजर जयपाल सिंह ट्रस्ट के रूप में यहाँ के हर बच्चा ये सोचे कि ये मेरा केंद्र है, यहाँ हम जाके कुछ सीख सकते हैं, यही भावना को लेकर कौमी एकता का नाम हमने इसलिए दिया क्योंकि वाकई में हम चाहते हैं कि कौमी एकता के आधार पर ही ये इलाका आगे बढ़ सकता है।